अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ कोफ्ता करी। कोफ्ता करी बनाने के लिए मैंने कीमा लिया है, 1 किलो कीमा है ये, और इसको 2 दफ़ा मशीन से निकलवाया है। कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, जितना बारीक कीमा होगा आपके कोफ्ते उतने अच्छे बनेंगे और वो टूटेंगे भी नहीं। तो कीमे को मैंने थोड़ा सा बारबेक्यू स्टाइल देने के लिए इसको धुआं लगाऊंगी, उसके लिए मैंने कोयला गर्म किया है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो आप अभी कीमे को यहाँ पे स्मोक दे लें, या फिर आप तमाम मसाले ऐड करके बॉल्स बना लें और उसके बाद उसको धुआं लगा लें। तो मैं सबसे पहले मसाले ऐड करूँगी इसके अंदर। यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, तकरीबन 6-7 कलियाँ लहसुन की, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा है अदरक का, एक ये मैंने 2 लिए हैं प्याज, 3-4 हरी मिर्च, 3-4 लाल साबुत मिर्च, हरा धनिया और पुदीना। अब इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करना है, या चाहे तो चॉपर में भी कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरह से मैंने इसका चॉप कर लिया है। अब मैं ये शामिल कर दूंगी कीमे में और अच्छी तरह से तमाम मसाला कीमे के अंदर मिक्स कर दूंगी। अब यहाँ पे इस स्टेज पे कीमे के अंदर जो मसाला दूसरा मैं ऐड कर रही हूँ वो सिर्फ नमक और गरम मसाला होगा। नमक मैं आधी चाय का चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच डालूंगी। ये गरम मसाला मैंने खुद घर में बनाया हुआ है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, मेरी वीडियो आप देख सकते हैं। अब तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करके अब हमने इनकी बॉल्स बना लेनी है। अब इसको मैं स्मोक देने लगी हूँ, इसके लिए मैंने एक कोयला रखने के लिए टिन फॉइल ले लिया है। इसके ऊपर रख देना है हमारा जो कोयला गर्म हो चुका है वो, और चंद कतरे कुकिंग ऑयल के या छोटा सा टुकड़ा बटर का भी डाल सकते हैं, वो इसके ऊपर डाल के इसको अच्छी तरह कवर करके 5 मिनट तक के लिए छोड़ देना है धुएं के अंदर, ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से धुएं का जायका आ जाए। अब कोफ्तों के अंदर अच्छी सी धुएं की महक आ गई है, तो अब हमने इनको रखना है एक साइड पे, और सेकंड स्टेप है इनके लिए हमने मसाला तैयार करना है। कोफ्तों के लिए मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले तो मैं ले रही हूँ 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, और जब कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच फैज़ ज़ीरा। जब ज़ीरा थोड़ा सा कड़क जाए तो इसके अंदर ऐड करना है प्याज। प्याज ऐड करने के 2 तरीके हैं, या तो एक बड़े साइज़ का प्याज लें बारीक काट के, उसको ब्राउन करके और पीस लें। दूसरा तरीका जो मैं कर रही हूँ, प्याज लेके इसका पेस्ट बना लिया है और अब मैं इसको यहाँ पे पकाऊँगी हल्का सा ब्राउन होने तक। जब आप प्याज का पेस्ट बना के लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर का भी पेस्ट ऐड करेंगे तो आपका ये जो सॉस है ये बहुत ही स्मूथ बनेगा। प्याज को हल्का सा पका के अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, तकरीबन ये 1.5 खाने का चम्मच है, ये भी मैंने बारीक पीस लिया है। इसको अब इन सारे दोनों चीज़ों को अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक हमें पकाना है। हमारा प्याज लहसुन अदरक बिल्कुल अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसके अंदर ऐड करने हैं जो हमने मीट बॉल्स बना के रखे हुए हैं, और इनको हमने लहसुन अदरक के साथ बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। मीट बॉल्स ऐड करने के बाद हमने थोड़ी देर तक चम्मच नहीं चलाना, बल्कि ऐसे कढ़ाई को उठा के और उसको हाथों से ही घुमा लेना है ताकि वह थोड़ा सा हिलजुल जाए। जब ये एक तरफ से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद मैंने इनको पलटा है, और बिल्कुल एहतियात से इनको पलटना है ताकि ये टूटे ना। एक दफ़ा जब ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह ब्राउन हो जाएंगे तो उसके बाद आप बिल्कुल बेखौफ होकर इसमें चम्मच चला सकते हैं, ये बिल्कुल टूटेंगे नहीं उसके बाद। अब तकरीबन 8 मिनट से ये पक रहे हैं, कीमे ने अपना थोड़ा पानी भी छोड़ा है। अब इसको आप बिल्कुल आराम से चम्मच चला सकते हैं, ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि कीमा पक के काफ़ी हार्ड हो चुका है और जुड़ गया है। तो अब इसमें थोड़े से मसाले ऐड करने हैं मैंने। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 चाय का चम्मच नमक। 1/2 चाय का चम्मच नमक मैं पहले भी ऐड कर चुकी हूँ, तो टोटल 1 चाय का चम्मच नमक गया है इसमें। अब इसके अलावा मैंने 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च ऐड की है, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर पिसा हुआ, और इसके अलावा इसमें मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच गर्म मसाला। अब कोफ्ते हम अच्छी तरह मसाले के साथ भी भुनेंगे 4-5 मिनट के लिए, और उसके बाद इसमें ऐड करने हैं टमाटर। यहाँ 4 टमाटर लिए हैं मैंने, इनके छिलके उतार के बिल्कुल बारीक पीस लिया है इन्हें। तो टमाटर जो हैं उनके छिलके ज़रूर उतारिएगा, वरना आपके जो सॉस है उसमें छिलके नज़र आएंगे, जो कि गलती नहीं है। तो छिलके उतार के डालेंगे, सॉस बहुत ही स्मूथ बनेगा।
अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 कप पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ा था, तकरीबन 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। तो ये अब कीमा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह गल चुका है, लेकिन अभी भी इसको हमने 10 से 15 मिनट और पकाना है। टमाटरों के जो छोटे छोटे टुकड़े नज़र आ रहे हैं वो भी अच्छी तरह गल के मिक्स हो जाएंगे, और उसके बाद हमने इसमें दही ऐड करना होगा, लेकिन अभी हमने इसको कवर करके और भी पकाना है। अब यहाँ पे तकरीबन पानी खुश्क होकर आधे कप के करीब रह गया है और हमारी काफ़ी अच्छी सॉस तैयार हो रही है। टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं, तमाम मसाला यकजान हो चुका है। अब यहाँ पे ये देखें, इस तरह का स्मूथ पेस्ट तैयार हो रहा है, लेकिन अभी हमने इसको और भूनना है। ये अच्छी तरह भुन चुका है, अब इस स्टेज पे मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही खाने के 2 चम्मच डाल रही हूँ। दही डाल के बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि दही के अंदर कोई फुटकियाँ जो हैं वो ना बने और बिल्कुल दही अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे इसको कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे, जिस तरह हम चावलों को दम देते हैं उस तरह 5 मिनट के लिए दम दे देना है। ये देखें, 5 मिनट के बाद बिल्कुल हमारी कोफ्ते जो हैं वो तैयार हैं। अब आखिर मैं इसके अंदर हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक काट के ऐड कर रही हूँ, और ये मेरे जो कोफ्ते हैं वो तैयार हैं। अभी मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये थी मेरी आज की रेसिपी जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।